राजस्थान के खाटू धाम मंदिर से अखंड जोत लेकर चले श्याम रथ शुक्रवार की रात गोविंदपुर पहुंचा, जहां से शनिवार की सुबह श्री श्याम मंदिर झरिया के लिए प्रस्थान हुआ। रथ के साथ सैकड़ों श्रद्धालु के अलावा भजन कीर्तन मंडली भी शामिल रही। ज्योति यात्रा के स्वागत के लिए गोविंदपुर से झरिया तक जगह जगह साज सज्जा की गई। इसी कड़ी में सरायडेला कोला कुसमा के समीप सिंह मंचन के सामने शिविर लगाया गया, जहाँ भाजपा नेत्री रागिनी सिंह पूरी श्रद्धा से जोत रथ के स्वागत के लिए अपने समर्थकों के साथ मौजूद रहीं। इस दौरान भाजपा नेत्री सपूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी रागिनी सिंह ने अपने हाथों से जोत रथ के गुजरने वाले मार्ग को गाय की गोबर से लीपकर अल्पना बनाई, साथ ही रंग अबीर गुलाल से सड़कों को सजाया। इस स्वागत समारोह में नेत्री रागिनी सिंह की श्रद्धा और समर्पण को काफ़ी सराहा गया। आपको बता दें कि राजस्थान के खाटू धाम मंदिर से अखंड जोत लेकर चले श्याम रथ शुक्रवार की रात गोविंदपुर पहुंचा, जहां से श्याम कीर्तन मंडल गोविंदपुर ने पुष्पमाला अर्पित कर अखंड जोत का स्वागत किया। अखंड जोत यात्रा सुबह गोविंदपुर से झरिया के लिए प्रस्थान हुआ। इस दौरान सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिला पुलिस भी सभी चौक चौराहों पर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई, जबकि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए कई स्थानों पर रूट को वन वे भी किया गया। शोभा यात्रा का कितना महत्व है जी, क्या कुछ आज आप लोग कर रहे हैं? श्याम बाबा की जोत आई है खाटू श्याम से, और उसी का हम लोग आशीर्वाद लेने, प्रणाम करने यहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। जो जहाँ जगहों से होते हुए यहाँ आई है, तो सभी लोग बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। कहाँ तक जाएगी ये जोत? वहाँ से गोविंदपुर से होते हुए जगह जगह सारे भक्तजन आशीर्वाद लेते हुए यहाँ से धनसार होते हुए झरिया श्याम मंदिर को जाए। जी क्या कुछ आज आप हो रहा है? खाटू बाबा श्याम की जोत जो है खाटू श्याम से अखंड जोत आ रही है, ये झरिया मंदिर के लिए प्रस्थान हुई है। इसमें हजारों हजारों भक्त साथ में है, और ये संध्या 4 बजे से जो है 4 बजे तक ये झरिया श्याम मंदिर पहुंचेगी, वहां स्थापित होगी, और आज रात को भजन कीर्तन का भी प्रोग्राम है। कितना महत्व है दिए का? भक्त लोग करीब करीब 5000 की संख्या में भक्त लोग हैं। दिया भी है, कितना महत्व है उस दिए का? इसका महत्व ये है कि इसका सिर्फ दर्शन मात्र से ही भक्त लोगों का जो है।